दिवाच ब्यूटीफाइंग यू में आप सबका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है टाई एंड डाई प्रोजेक्ट। हम एक दुपट्टे को दो रंग में टाई एंड डाई करेंगे। पिछले हमारे वीडियो में हमने एक कलर में टाई एंड डाई किया था और हमारे एक व्यूअर ने हमें टू कलर में टाई एंड डाई करने के लिए कहा था, तो ये वीडियो आज उसी के लिए है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आपने आप अभी तक हमारे चैनल को जो भी सपोर्ट किया है उसके लिए। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड, उस पर क्लिक करिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस करना ना भूलिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारी वीडियो का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लेना है एक वाइट थ्रेड। ये थ्रेड आपको कहीं भी मिल जाएगा दुकान पे। और ये इसके साथ हमें एक प्लेट ले लेनी है कलर मिक्स करने के लिए, सॉल्ट, देन ये फैब्रिक कलर्स है, ये भी आपको मिल जाएंगे दुकान पे फैब्रिक कलर्स। हम पिंक और ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं आज। एंड वाटर, सो गाइस, दो कलर में टाई एंड डाई करने के लिए सबसे पहले आपको कपड़े को चार हिस्सों में फोल्ड कर लेना है। हैंकरचीफ फोल्ड कहते हैं, जैसे हम रुमाल फोल्ड करते हैं वैसे फोल्ड कर लेना है। नीचे आप कोई भी बॉक्स वगैरह या फिर प्लास्टिक रख लीजिए, क्योंकि नीचे का सरफेस खराब हो सकता है। उसके बाद हम एक प्लेट में कलर, ये पैरेट ग्रीन कलर है क्योंकि हम अंदर पैरेट ग्रीन कलर चाहते हैं और बाहर हमें पिंक कलर चाहिए, तो सबसे पहले हम पैरेट ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे। सो ये कलर हमें थोड़ा सा ही लगेगा, तो पहले थोड़ा थोड़ा कलर डालिए जितना चाहिए। ओके, तो अब इस कलर में हम नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे। नमक कलर को सेट करने के लिए होता है। और अब हम इसमें चम्मच से ही पानी ऐड करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स, हम दुपट्टे पे हम जहां भी चाहते हैं टाई एंड डाई करना वहां पे डॉट्स रखेंगे। अगर आप बड़े डॉट्स, अगर आप बड़ा पैक चाहते हैं तो बड़े डॉट्स बनाइए, बड़ा सर्कल बनाइए। अगर छोटे छोटे करना चाहते हैं तो छोटे छोटे डॉट्स बनाइए। सो इस तरह से मैंने डॉट्स बना लिए है। आप मेजर करके भी डॉट्स बना सकते हैं। सो गाइस, इसको हम अब 5 से 6 घंटे तक सूखने के लिए रख देंगे। अब एक थ्रेड सूखने के बाद अब एक थ्रेड से हम जहां भी हमने कलर लगाया है उसे सेंटर में से ऊपर उठाएंगे। तो अब ये राउंड बन गया है यहाँ पे, तो अब हम सेंटर में से इसे ऊपर उठाएंगे। और अब हम थ्रेड से जितना भी पार्ट हमने ऊपर उठाया है उसे टाई करेंगे, बांधेंगे ऊपर तक। सो गाइस, बिल्कुल टाइट टाई करना है, बिल्कुल टाइट, बिल्कुल भी धीरे धीरे आपको करना है ये काम। और बिल्कुल टाइटली इसे टाई करना है। अगर आप लूज टाई करेंगे तो कलर अंदर चला जाएगा और जो इफेक्ट हमें चाहिए वो इफेक्ट शायद नहीं आएगा।
तो आप मेक श्योर आप बिल्कुल टाइट बांध रहे हैं। तो पहले आप ऊपर तक इसे टाइट कर लीजिए और फिर ऊपर से नीचे आइए एक बार, बिल्कुल टाइट बांधिए। तो इस तरह से गाइस हमने इसे टाई कर लिया है। सो गाइस इस तरह से आपको आपने जहां जहां डॉट्स बना लिए हैं पूरे दुपट्टे पे, जहां जहां पे कलर है वहां वहां पे आपको इस तरह से टाई करना है। यही प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इसी से आपका जो फाइनल लुक है वो आने वाला है। और गाइस हमने ऐसी ही एक पिछली एक वीडियो बनाई है, उसमें हमने एक कलर से टाई एंड डाई किया है, वो इफेक्ट भी काफी अच्छा था। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब ये पूरा दुपट्टा मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, जहां जहां पे मैंने कलर डाला था वहां वहां पे मैंने पूरा दुपट्टा टाइप कर लिया है। और अब हम इस दुपट्टे को डाई करेंगे। आप अगर दो कलर में डाई करना चाहते हो तो आधे दुपट्टे को एक कलर में और आधे दुपट्टे को दूसरे कलर में डाई कर सकते हो। यहाँ पे हमने पानी गर्म कर लिया है और अब हम इस गर्म पानी में फैब्रिक कलर ऐड करेंगे। तो अगर आप लाइट कलर चाहते हैं, बहुत ज्यादा लाइट, तो आप थोड़ा सा कलर ऐड करें। अगर आप डार्क कलर चाहते हैं तो पूरा कलर ऐड कर दीजिए। अब हम इसमें ये नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक रंग को पक्का करता है। और अब फ्रेंड्स इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। मेक श्योर फ्रेंड्स पानी अच्छे से गरम करिए, बॉइलिंग वाटर हो, तो उसके बाद प्रोसेस शुरू करिए। तो फ्रेंड्स अब ये हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से, और अब हम इसमें हमारा दुपट्टा डुबोएंगे। पर उससे पहले हमें इस दुपट्टे को नॉर्मल वाटर में एक बार सोक करना है, ताकि जब हम नॉर्मल वाटर में इसे सोक करेंगे तो पूरी दुपट्टे पे जो कलर हमें चाहिए वो कलर अच्छे से डाई हो जाएगा। तो ये हमने सोक कर लिया। का पानी अच्छे से निचोड़ लीजिए। और अब हम ये दुपट्टा इस रंग में डुबोएंगे। सो फ्रेंड इस तरह से आपने इस दुपट्टे को अच्छे से डाई करना है। इसे रखना है आपने 10 से 15 मिनट इस पानी में और देखते रहना है कि सारी दुपट्टे पे इक्वली कलर लग जाए।
आप बड़ा बर्तन लेंगे तो अच्छे अच्छे से ये डाई होगा, इसे अच्छी जगह मिलेगी और सारी सारी दुपट्टे पे इक्वली कलर स्प्रेड हो पाएगा। और अब फ्रेंड्स हम ये दुपट्टा कलर हो चुका है, अब इसको हम नॉर्मल वाटर में फिर से डालेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कलर है वो उसे हमें निकालना है और उसके बाद हमने इसे सुखाना है। अब ये नॉर्मल वाटर में अच्छे से जो भी एक्स्ट्रा कलर है वो निकाल लीजिए फ्रेंड्स। और अब फ्रेंड्स हम इसे छांव में सुखाएंगे। आप इसे घर में सुखाए तो अच्छी बात होगी, बाहर बिल्कुल ना डालें क्योंकि कलर निकल जाएगा। इसे छांव में सुखाए, एक दिन इसे सूखने के लिए लगता है, उसके बाद हम इसके थ्रेड्स निकालेंगे। सो फ्रेंड्स चलिए थ्रेड निकाल के देखते हैं कि कैसा इफेक्ट आया है। ये बहुत ही मजेदार काम है, ये काम मुझे बहुत पसंद है। सो आई होप अच्छा कलर आया है। सी फ्रेंड्स इज लुकिंग सो प्रिटी। क्योंकि मैंने इसे काफी नीचे से बांधा था, मेरा कलर थोड़ा ऊपर था और मैंने नीचे से बांधा था, इसलिए व्हाइट इसे बॉर्डर आई है। अगर आप व्हाइट बॉर्डर नहीं चाहते तो जहां से आपने कलर डाला है वहीं से आप इसे डाई करना शुरू करिए, तो आपको ये कलर का इफेक्ट जो है वो ग्रीन कलर पे आ जाएगा, व्हाइट बॉर्डर नहीं आएगी। लेकिन व्हाइट बॉर्डर काफी सुंदर लगती है और ये पूरा दुपट्टा है, पूरा इफेक्ट। सो गाइस आपको ये दुपट्टा, ये इफेक्ट कैसा लगा? इस बार हमने दो कलर में किया है तो कैसा लगा ये इफेक्ट, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और हमें बताइएगा कि आप टाइम डाई में और किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, कमेंट करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और हमें इसी तरह से नए नए सुझाव दीजिएगा। हम आप बताएं हमें कि हम और किस तरह के वीडियोज बनाएं आपके लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट इनोवेटिव क्रिएटिव इन्फॉर्मेटिव टॉपिक में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।